ये बहुत अच्छा एफर्ट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से कि लोगों के सहूलत के लिए नए कोर्ट्स बने हैं, तो इससे थोड़ा सा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एफिशिएंसी आ जाएगी, कंफर्टेबल होगा लोगों के लिए, लॉयर्स के लिए अच्छा होगा। वो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, तो जो खास करके चाइल्ड विक्टिम है उसको अक्यूज़ के सामने नहीं पेश करना, सो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऐसे सिस्टम के थ्रू उनको एविडेंस लेना है। अभी चल रहा है प्रोविजन, इट्स अंडर वे, लेट्स सी हाउ फास्ट इट टेक्स ऑफ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो कितना फाइनेंस मिल पाएगा उसके लिए, प्लस जब आप ग्रेडेशन सिस्टम की होती है तो टाइम तो लगता ही है। ये देखो ये बात है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, मैं लॉयर भी रहा हूँ, मैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जज भी रहा हूँ, अब हाई कोर्ट में भी हूँ, जो मैंने फील किया उनको बता दिया कि ये क्रिटिसिज्म नहीं है मेरा, सुझाव है कि आगे जब बिल्डिंग बनाए इन चीज़ों का ध्यान रखो। हमारा पर्पस बिल्डिंग बनाने का कि सब सेगमेंट्स जो इस बिल्डिंग में आएंगी उनको कम्फर्ट मिले और जो लॉयर्स खास करके हैं वो कम्फर्टेबली वर्कआउट करें, जजेस का भी कम्फर्ट देखना है जरूरी, लिटिगेंट्स का भी देखना है, दैट वॉज द रीज़न।